Okay, students, so now we are going to start a mock interview for our student Shivam Gupta. And this interview is for DRDO. So, Shivam, first of all, you tell us about yourself. Sir, my name is Shivam Gupta. I am from Banda, Uttar Pradesh. I completed my graduation in BTech in Computer Science and Engineering from CSGM University, Kanpur. And I completed my schooling from SBM Inter College, Banda. And currently, I am pursuing my MTech in CSE from IIT ISM, Dhanbad. Okay, so in which semester you are? Sir, in second semester. Okay, so project work started? Not now, sir. So in what area you want to do the research work, project work? Sir, main work karna chahta hu ML AI ke upar. Machine learning aur artificial intelligence ke upar kyun karna chahte ho? सर इंटरेस्ट है मेरा इसमें थोड़ा. तो उसकी नॉलेज अभी आपने क्या किया उसके लिए, मतलब उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए? सर अभी तो मैंने बेसिक्स ही पढ़े हैं मशीन लर्निंग के और KNN एंड रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम इंप्लीमेंट किया है. ओके, KNN का फुल फॉर्म क्या है? के नियरेस्ट नेबर्स. तो के नियरेस्ट नेबर्स किस प्रिंसिपल पे काम करती है एल्गोरिथम? सर ये यूक्लिड इन डिस्टेंस पे काम करती है. सपोज हमारा कोई टेस्ट डेटा है और एक डेटा सेट है. जब टेस्ट डेटा आएगा तो वो जितने भी डेटा सेट में जितने पॉइंट्स है सबके साथ अपना यूक्लिड इन डिस्टेंस निकालेगा. फिर उसमें के नियरेस्ट नेबर्स को पिक करेगा. अब जैसा के नियरेस्ट नेबर्स बिहेवियर शो करेंगे वैसे उस टेस्ट डेटा का बिहेवियर हो जाएगा. ये सर एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है. मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है? दो पॉइंट है, 1, -4 और -3, -2. तो इनका मैनहट्टन डिस्टेंस बता सकते हो? सर एक कैन यू प्लीज रिपीट सर. कोई दो पॉइंट ले लो, अपनी मर्जी से ले सकते हो. ओके, तो मैनहट्टन डिस्टेंस बताओ क्या होता है. अगर जनरल x1 y1 ले लो, x1 y1, x2 y2 दो पॉइंट हैं. ओके सर, तो इनके बीच में मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है? मैनहट्टन डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल. यस सर, यूक्लिड. सर आई डोंट नो व्हाट इज मैनहट्टन डिस्टेंस. डिस्टेंस मैट्रिसेस तो कई सारे होते हैं ना हमारे पास. यस सर. तो जो के का सिलेक्शन किया होगा तुमने, के नियरेस्ट नेबर में किसी के का कोई इंपोर्टेंस है? यस सर. क्या लिया था तुमने के? के सर मैंने 17 लिया था. 17 पे उसकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही थी, सबसे अच्छी एक्यूरेसी आ रही थी. तुमने सारे के की वैल्यूज ट्राई की थी या कैसे डिसाइड किया? हां यस सर, मैंने फॉर लूप लगाया था. उसमें के की वैल्यूज मैंने 1 to 100 के बीच में जो ऑड वैल्यूज हैं उन्हें पिक किया था. यस सर. तो उसमें से जो 17 पे आ रहा था, 17 पे सबसे अच्छी एक्यूरेसी आ रही थी, 83%. अच्छा, रिग्रेशन भी पढ़ा है फिर आपने, अगर मशीन लर्निंग पढ़ाया तो? सर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन. अभी अभी सर मैंने बेसिक्स स्टार्ट किया है सर, अभी रिग्रेशन नहीं पढ़ा सर. ओके, तो उसका सर थोड़ा सा आइडिया है. जैसे रिग्रेशन कंटीन्यूअस वैल्यूज के लिए यूज होता है, कंटीन्यूअस डेटा के लिए यूज होता है, एंड जो क्लासिफिकेशन होता है वो डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए यूज होता है. तो सर इतना ही आइडिया है मेरे को रिग्रेशन में. तो सुपरवाइज लर्निंग है जैसे? यस सर. और एक अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, दो पढ़ी है आपने? यस सर. यस सर. तो जो KNN है आपकी वो कौन सी कैटेगरी में आती है? सुपरवाइज लर्निंग में सर. क्या कंसेप्ट है सुपरवाइज लर्निंग का? सर सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, जो हमारा मॉडल होता है उसमें हम उसे इनपुट प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ उसका आउटपुट भी प्रोवाइड करते हैं. तो मॉडल उसके हिसाब से ट्रेन होता है. जबकि जो अनसुपरवाइज लर्निंग होता है उसमें जो मॉडल को हम इनपुट देते हैं वो ओनली इनपुट देते हैं,
और वो ना खुद लर्न करता है और उस डेटा को क्लस्टर्स में डिवाइड करता है, जबकि सुपरवाइज लर्निंग में इनपुट और आउटपुट साथ में देते हैं, उसके हिसाब से लर्न करता है मॉडल सर। ओके okay. सर और उनकी एग्जाम्पल बता सकते हो दोनों के अलग-अलग? सुपरवाइज लर्निंग के एग्जांपल तो यही केएनएन एंड रैंडम फॉरेस्ट, एंड अनसुपरवाइज लर्निंग का सर के मींस एल्गोरिथम, के मींस एल्गोरिथम। एंड सर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन रिमेम्बर ओनली दिस दिस एग्जांपल्स। न्यूरल नेटवर्क के ऊपर भी कुछ काम पढ़ा है आपने? नो सर। ओके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो आपने प्रिपेयर किए हुए हैं अभी? सर ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, डेटा स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये 5 सब्जेक्ट सर। ठीक है ओके रसिका मैम यू कैन कंटिन्यू। सो शिवम आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या है अभी एमटेक में? मैम इस सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में जितने भी अभी तक आपने पढ़े हैं? मैंने पढ़ा है एल्गोरिथमिक ग्राफ थ्योरी एंड एडवांस डीबीएमएस, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स एंड मैथमेटिकल टूल्स एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर आर्किटेक्चर एडवांस एंड डीबीएमएस में आपने क्या एडवांस पढ़ा है? मैम एडवांस में पहले तो मैम सब बेसिक्स ही पढ़ा है, फिर ट्रांजेक्शन एंड कॉन्क्यूरेंसी कंट्रोल पढ़ा है, और फिर ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा बेसिस पढ़ा है एंड ये सब आपके इंजीनियरिंग के सिलेबस में नहीं था? ट्रांजेक्शन तो था। मैम सर ने ट्रांजेक्शन भी पढ़ाया था, ट्रांजेक्शन एंड इंडेक्सिंग था सर, इंडेक्सिंग था मैम एंड इंडेक्सिंग क्या होती है? मैम इंडेक्सिंग एक सर्चिंग टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम सर्च को मिनिमाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बुक में कुछ सर्च कर रहे हैं और हमें पता नहीं है वो डेटा कहाँ पर है, किस पेज में है, तो ऐसे में वर्स्ट केस में पूरी बुक को ट्रेवर्स करना पड़ जाएगा। पर इंडेक्सिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू हम सर्चेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे करते हैं? हम एक इंडेक्स टेबल बनाते हैं और उस इंडेक्स टेबल में डेटा से रिलेटेड डेटा होता है और उसके करस्पॉन्डिंग पेज नंबर होता है। तो जो डेटा हमें सर्च करना होता है उसे पहले इंडेक्सिंग से देखते हैं वो किस पर्टिकुलर पेज में, फिर डायरेक्ट वहां जाकर ट्रेवर्स कर लेते हैं, यानी हम सर्चेस को मिनिमाइज कर रहे हैं। तो मैम इंडेक्सिंग का यूज होता है सर्चेस को मिनिमाइज करने में, मिनिमम सर्चेस में डेटा को फाउंड करने में। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई टेबल है जिसमें वो डेटा फर्स्ट फर्स्ट रिकॉर्ड है, ओके, यस मैम तो यस मैम अभी इंडेक्सिंग लगाएंगे तो मैं पहले इंडेक्सिंग में जाऊंगी, फिर उसके बाद उस डेटा में जाऊंगी। अगर मल्टी लेवल इंडेक्सिंग है तो और ज्यादा सर्चेस यूज होंगी, यस तो मैम यस फिर मैम आई थिंक मेरे लिए बेटर है कि मैं इंडेक्सिंग ना यूज करूँ। नो मैम अगर आप इंडेक्सिंग नहीं यूज करेंगे तो ऑन एन एवरेज आपको ज्यादा ही सर्च करना पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट केस में तो आपको पहला पेज मिल जाएगा, वर्स्ट केस में आपको एन पेजेस ट्रेवर्स करने पड़ेंगे, तो एवरेज केस में आपको एन बाई टू पेजेस ही ट्रेवर्स करने पड़ेंगे। आप हमेशा एवरेज केसेस आप में इट रिड्यूसेस सर्च, राइट? यस मैम एंड वो सर्च टाइम रिड्यूस करता है या सर्च प्रोसेसिंग रिड्यूस करता है इंडेक्सिंग? मैम दोनों चीजें रिड्यूस होता है, टाइम भी रिड्यूस होता है और सर्चेस भी रिड्यूस होते हैं। अच्छा, आपने मोबाइल कंप्यूटिंग पढ़ा है? नो मैम मोबाइल कंप्यूटिंग नहीं पढ़ा। बीटेक में भी कभी नहीं पढ़ा आपने? नो मैम मोबाइल कंप्यूटिंग नहीं पढ़ा। अच्छा, जीपीएस के बारे में तो सुना होगा। यस मैम जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यस मैम सुना है कुछ आइडिया है कि क्या होता है? जीपीएस लोकेशन ट्रैक करने के लिए होता है मैम, हमारी मतलब रियल टाइम लोकेशन बताता है जीपीएस कि एक्चुअली इस टाइम हम कहाँ पर हैं।
ये तो सिर्फ ये ह्यूमंस मतलब हमारी लोकेशन ट्रैक करने के लिए बता सकता है, इसका कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन? नो मैम, एक्चुअली ये हमारी लोकेशन मोबाइल फोन्स के थ्रू, मतलब जिसमें जीपीएस इंस्टॉल्ड है उन उनकी लोकेशन बताता है मैम, हमारी ह्यूमंस नहीं, की नहीं हमारे बताता। अलावा और कोई एप्लीकेशन जो कि आप सोच सकते हैं जीपीएस की? जीपीएस का एप्लीकेशन मैम, जैसे जोमेटो यूज करता है जीपीएस, गूगल का जो जीपीएस है वो यूज करता है अपना ऑर्डर डिलीवर, मतलब हम अपना ऑर्डर देख सकते हैं, ऑर्डर कहाँ कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं पहुंचा। अच्छा, डू यू थिंक डीआरडीओ इज यूजिंग जीपीएस? यस मैम, ऑब्वियसली तो कहाँ यूज कर सकते हैं? मैम, डीआरडीओ यूज करता होगा जो अपना लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहां पर टेररिज्म एक्टिविटीज होती रहती हैं, और भी एप्लीकेशंस के लिए यूज करता होगा, अपनी जो बॉर्डर एरियाज होते हैं उनमें उनमें सर्वेलेंस के लिए यूज करता होगा, एंड एंड मैम जीपीएस। एक तो सीएन आपने पढ़ रखा है, राइट? यस मैम, सीएन में आपने क्या क्या पढ़ रखा है? सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर एंड तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स काम करती हैं? TCP, UDP एंड HTTP। टीसीपी एंड यूडीपी में क्या डिफरेंस होता है? मैम, TCP इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होती है, UDP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होती है, एंड व्हाट और इज द डिफरेंस बिटवीन कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल मैम वो होती हैं, जैसे हमारा डेटा पैकेट है, फोर डेटा पैकेट है और फोर फ्रेगमेंट्स है डेटा पैकेट्स के, फोर सेगमेंट है डेटा पैकेट के। तो कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, मतलब जो राउटर्स के बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, तो एक डेटा पैकेट जिस पाथ के थ्रू जाता है बाकी डेटा पैकेट भी उसी पाथ के थ्रू जाते हैं। और जबकि कनेक्शन लेस में मैम होता है, अलग अलग पाथ से अलग अलग पैकेट जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन तो तक पहुंचते हैं। आपने बोला कि राउटर्स के बीच में कनेक्शन डेवलप होता है, बट यू आर वर्किंग ऑन लॉजिकल, ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट? यस मैम, लॉजिकल कनेक्शन एक क्रिएट होता है, यस मैम। तो ये नेटवर्क लेयर की सर्विसेज यूज करता है TCP। ओके, एंड जो पैकेट सेंड होता है, जो सेगमेंट सेंड हो रहा है वो? जो सेगमेंट सेंड हो रहा कहाँ है, से कहाँ पे हो रहा है? सेंडर टू रिसीवर हो रहा है मैम, सेंडर टू हॉप टू रिसीवर हो रहा है, बट हॉप टू हॉप हॉप टू इज इट, हॉप, यस मैम। और एंड टू एंड? TCP पैकेट एंड टू एंड हो रहा है, और जो IP पैकेट है वो हॉप टू हॉप हो रहा है। ओके, सो अमन सर, यू कैन प्रोसीड. हेलो शिवम। हेलो सर। अच्छा शिवम, आप मशीन लर्निंग भी पढ़ रहे हैं ना आजकल? यस सर। अच्छा, कुछ एग्जांपल दो सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के। सुपरवाइज लर्निंग का सर एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ, जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, हमें किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, तो पहले हम खुद को ट्रेन करेंगे। कैसे ट्रेन करेंगे, हमारे पास एक बुक होगी, उसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे और उसमें आंसर्स लिखे होंगे, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसका आंसर देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर देखेंगे, हम टेस्ट की एक प्रिपरेशन कर रहे हैं। और फिर जब टेस्ट में जाएंगे तो जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो उसका हम कुछ आंसर लिखेंगे। तो कुछ इसी तरह से सुपरवाइज लर्निंग में मॉडल ट्रेन होता है, जैसे हम स्टूडेंट्स ट्रेन होते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आंसर देते हैं क्वेश्चन देते हैं। हाँ सर, अनसुपरवाइज्ड में अनसुपरवाइज में सर
इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे स्टोन्स है कुछ और उनकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग अलग, कई स्टोन्स अलग टाइप के दिख रहे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ स्टोन्स अलग टाइप के दिख रहे हैं, पर हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आइडिया नहीं उनके बारे में, तो हम क्या करेंगे सर, जो सेम टाइप के स्टोन्स होते हैं उन्हें उनका अलग ग्रुप बना लेंगे, फिर कोई जो सेम टाइप के अलग स्टोन्स है उनका अलग ग्रुप बना लेंगे, फिर जो स्टोन्स है उनका अलग ग्रुप बना लेंगे, ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, ओके और फिर कोई जब नया स्टोन आएगा तो हम देखेंगे ये किस ग्रुप से कितना ज्यादा रिलेट कर रहा है। ओके कोई एग्जांपल इसका एज इन कौन से जो आपने एल्गोरिदम्स करे हैं वो सुपरवाइज में आते हैं और कौन से अनसुपरवाइज में? सर मैंने सुपरवाइज एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट किए हैं KNN एंड रैंडम फॉरेस्ट, ओके अनसुपरवाइज अनसुपरवाइज का करके एग्जाम। हाँ सर, अनसुपरवाइज का आइडिया नहीं है? सर एग्जाम्पल है पर इम्प्लीमेंट नहीं है, के मीन्स है सर अनसुपरवाइज्ड। ओके okay. अच्छा जैसे तुम जैसे हम कभी अमेजोन वगैरह चलाते हैं तो हाँ जैसे मान सर, लो आपने फोन खरीदा यस तो सर, जब आप फोन खरीदोगे तो आपको साथ में रेकमेंडेशन आ जाएगी कि कवर भी खरीदना है कि यस ये सर, यस कवर सर। खरीद सकते हो, उसमें क्या चीज यूज होती है, कौन सर वहाँ मशीन लर्निंग ही यूज हो रहा है। सा उसका वो यूज हो रहा है उसमें? आप जानना चाहते हैं सुपरवाइज या अनसुपरवाइज ना सर? हाँ मतलब कुछ भी तो सर ये एक सुपरवाइज टाइप का है, यानी अगर हमने ये खरीदा तो इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी हम ये भी खरीद सकते हैं, यानी मॉडल को पहले से ट्रेन किया हुआ है। अगर किसी ने मोबाइल खरीदा तो किसी ने कवर भी खरीदा होगा, किसी ने हेडफोन्स भी खरीदी होंगी, तो उसी हिसाब से वो प्रीवियस डेटा देखता है, हमारे रेकमेंड करता है। ओके अच्छा ये अच्छा वो जैसे आप कंप्यूटर नेटवर्क्स में सर, कितना जो लेयर्स होती हैं उनके बता सकते हैं कौन कौन सी लेयर होती है ऑर्डर में? ओके सर, तो TCP/IP सूट में सर फर्स्ट लेयर से स्टार्ट करते हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, ओके ये सर 5 लेयर्स होती हैं। अच्छा, और कौन कौन से आपने सब्जेक्ट बताए जो आपको मतलब आपके प्रेफर करते हो आप? ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ओके थ्योरी ऑफ कंपटीशन एंड ऑल। अच्छा मुझे ये बेलिडीज एनोमली जो होता है उसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में वो क्या होता है, टर्म एक्सप्लेन कर सकते हो? सर वैलिडिटी एनोमली फीफो पेज रिप्लेसमेंट से जुड़ी हुई है। समटाइम्स ऐसा होता है जैसे जैसे हम पेज फ्रेम्स बढ़ाते, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, अगर हम पेज फ्रेम्स बढ़ाते हैं नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स तो जो पेज फॉल्ट है वो रिड्यूस होना चाहिए, पर फीफो के कुछ केसेस में ऐसा होता है, अगर हम नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाते हैं, सॉरी नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाते हैं, तब भी पेज फॉल्ट रिड्यूस नहीं होता है और बढ़ जाता है पहले से, तो ये सर वैलिडिटी एनोमली है। ओके अच्छा आप मेरे एक DFA ड्रॉ कर सकते हो स्टार्टिंग विद 0 एंड एंडिंग विद 0? यस सर, DFA स्टार्टिंग विद 0 एंड एंडिंग विद 0। एंडिंग विद 0 और जो आपको अल्फाबेट्स गिवन है वो 0 और 1 है। ओके सर,
ड्रॉ। हाँ हाँ टेक योर टाइम। हाँ आई शो यू सर। चल आई ड्राइव। हाँ दिखा स्क्रीन पे दिखाना थोड़ा सा पीछे करके। सर ये जो बॉक्स में है वो है सर। ओके स्टार्टिंग विद जीरो जीरो। अच्छा अगर मुझे इस है जो एक स्ट्रिंग है मान लो जीरो स्ट्रिंग है क्या वो स्टार्टिंग विद जीरो है? जीरो स्ट्रिंग जो है वो स्टार्टिंग विद जीरो है? यस सर। एंडिंग विद जीरो है? अगर सर सिंगल स्ट्रिंग है, सिंगल जीरो है, तब तो नहीं, उस केस में नहीं है सर। नहीं, वो स्टार्टिंग और एंडिंग विद जीरो दोनों कंसीडर होता है और उस केस में आपका वो जीरो जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि जैसे एक ट्यूरिंग मशीन्स है हमारे पास, देर आर यस मल्टीपल सर। ट्यूरिंग मशीन्स, तो वो क्या काउंटेबल हैं अनकाउंटेबल हैं, क्या है नंबर ऑफ ट्यूरिंग मशीन्स? क्या सर काउंटेबल है? काउंटेबल फाइनाइट काउंटेबल हो या इनफाइनाइटली काउंटेबल? इनफाइनाइटली काउंटेबल सर। ओके और नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जो होती हैं वो? वो भी काउंटेबल होती है सर। ओके अच्छा शिवम लेट मी गिव यू योर फीडबैक। तो देखो बाकी को एज इन कंप्यूटर नेटवर्क्स का जैसे मैम भी पूछ रहे थे तो आप उसका ठीक आंसर कर रहे थे मेरे हिसाब से, बाकी वो मैम का थोड़ा स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। बट जैसे आपने मशीन लर्निंग बोला तो अगर आप वहां पे इंटरव्यू में मशीन लर्निंग बोल रहे हो तो अगर आप उसको बैक नहीं कर पाओगे तो वो नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। यस दूसरा थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन आपने बोला, आपसे दो क्वेश्चन पूछे दोनों के दोनों गलत हैं, ठीक है। एक तो ये डायग्राम जो है जो डीएफए है वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ कंपटीशन का, तो वो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो गलत ना हो वहां पे। दूसरा जैसे लैंग्वेजेस हैं वो अनकाउंटेबल होती हैं, ठीक है। तो अगर कोई वहां पे जो जो सब्जेक्ट बोलना है वो ऐसा होना चाहिए कि आपको कुछ भी पूछ ले उसमें से, फिर आप ये ना हो कि वहां पे वो गलत आंसर, अगर गलत आंसर करोगे तो फिर थोड़ा इंप्रेशन गलत जाएगा। ज्यादा सब्जेक्ट बताने से इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा, जितना गलत तब चला जाएगा जब उन सब्जेक्ट्स को बैक नहीं कर पाओगे। यस सर। यस सर। अच्छा तीन चार सब्जेक्ट बताओ जिनका कुछ भी पूछ लिया जाए आपको आता हो, रेदर देन छह सब्जेक्ट बताने और उन छह में से उन्होंने वो दो से पूछ लिया जो आपको वीक हो आपके, फिर वो इंप्रेशन जाता है कि सभी में आपकी तैयारी ऐसी है, ठीक है। तो यस ये सर। थोड़ा ध्यान रखना है, अगर आपको टीओसी भूलना भी है तो थोड़ा फिर उसको उसमें रिविजन करो उसकी, उसमें आपको जरूरत है काफी, ओके सर। ठीक है। रशिका मैम तो शिवम सीएन में जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि ये कनेक्शन जो आप बोल रहे थे कनेक्शन ओरिएंटेड, तो टीसीपी किसके बीच में कनेक्शन बना रहा है, जो कि आपने राउटर टू राउटर बोला था, बट एक्चुअली ये टीसीपी है राइट, ट्रांसपोर्ट लेयर पे कुछ कनेक्शन कर रहा है, तो वो एंड टू एंड ही होगा, वो भी होस्ट के बीच में, जैसे कि आपने सेंडर रिसीवर बोला था, उसके लिए एक टर्म होता है होस्ट, ठीक है। और बाकी जो जीपीएस होता है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, मतलब ये एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम है,
जिसमें जो एग्जैक्ट लोकेशन पता होती है, राइट? जो आपने बताया वो ठीक था बट थोड़ा लेमैन हो गया। थोड़ा बहुत टेक्निकल अगर आप बता सकते हो तो ठीक है। बेसिक्स यू आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू टेल, यू आर एन इंजीनियर। ओके, यस मैम। बाकी चीजें तो ठीक है। एमटेक सब्जेक्ट्स में अगर आप कुछ थोड़ा बहुत एक दो सब्जेक्ट्स देख सकते हो तो इट विल बी गुड। ओके ओके, मैम। सो त्यागी सर, यू कैन गिव द फीडबैक। शिवम, यस सर। तो सब्जेक्ट जो सर ने बताया तीन चार सब्जेक्ट पकड़ लो जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है तुम्हें, ओके सर। ठीक है? एक तो वहां से क्वेश्चन पूछेंगे, उसके अलावा तुम्हारा जो प्रोजेक्ट तुम करने वाले हो अभी आगे, वो प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया लेंगे क्या करने वाले हो, या मिनी मिनी प्रोजेक्ट कोई अगर किया है उसके बारे में पूछ सकते हैं, बीटेक में कोई प्रोजेक्ट किया होगा उसके सर बारे में मेरा पूछ जो सकते हैं। फाइनल फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो मशीन लर्निंग पे था, और सर मुझे प्रोजेक्ट के बारे में उतना ही, मतलब मशीन लर्निंग उतना ही आता है जितना मेरा प्रोजेक्ट में यूज किया हुआ है, तो सर इसलिए मैंने आपसे बोल दिया था कि मशीन लर्निंग मेरे को आता है। तो जो तुमने प्रोजेक्ट में मशीन लर्निंग यूज करी थी ना उससे रिलेटेड चीजें फिर हाँ पढ़ लो अच्छे यस तरीके से। सर, हाँ यस सर, उससे रिलेटेड मैंने सब पढ़ लिया है जो भी है। तो बस ये ना कि यही क्यों यूज की और कोई क्यों नहीं यूज करी एल्गोरिथम, ये सब क्रॉस क्वेश्चन में तो बनते हैं ना, यस सर। तुमने हाँ, दो पढ़ लिया इसका मान इसका लिया। आंसर ये, जो हमारा हमारा जो टारगेट क्लास है वो उनमें ही है, मतलब वो क्लासेस में ही है जो टारगेट क्लास है, इसलिए क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज किया। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। वो याद है तुम्हें तो फॉर्मूला कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन का फॉर्मूला निकालना आता है थोड़ा, वहां से थोड़ा प्रोबेबिलिटी के कुछ कंसेप्ट पूछ सकते हैं, ठीक ओके सर, है? थोड़ी ओके सर, पाइथन की नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हैं बेसिक कोई प्रोग्राम पूछ के। हाँ ओके सर। तो उसको फिर अगर रैंडम फॉरेस्ट है तो उसको पढ़ लो अच्छे तरीके से जो तुमने काम किया केएनएन। अब जैसे गलती कहां पे करते हैं ना बच्चे कि जब तुम केएनएन पढ़ रहे हो भाई तो उस टाइम डिस्टेंसेस की बात चलती है, डिस्टेंस मैट्रिसेस आता है, तो ये देखो ना और क्या है डिस्टेंस मैट्रिसेस। जैसे तुम्हें मैनहट्टन नहीं पता तो ये भाई कई सारे ऑप्शन है ना हमारे पास उसके इक्विलेटरल के अलावा भी, तो यस एक्स सर, टू माइनस एक्स वन का मोड प्लस वाई टू माइनस वाई वन का मोड, ये हमारी मैनहट्टन डिस्टेंस होती है। हाँ ओके सर, तो उसी से रिलेटेड ही है ना ये, तो यस सर, यस सर, थोड़ा सा तो हटके इधर उधर पूछ ही सकते हैं ना, यस सर, उस हिसाब से थोड़ा प्रिपेयर कर लो। ओके सर। हाँ और क्या मतलब फ्यूचर में तुम उससे उन एल्गोरिथम से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कुछ और आइडिया तुम्हारे दिमाग में हो वो देख लो तो हो जाएगा फिर उसके बाद, ठीक है? घबराने की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू में आराम से बताना, इन पीएसयूज में क्या है कि आराम से टेस्ट करते हैं तुम्हारी नॉलेज पूरी है ना, मैथमेटिकल नॉलेज भी टेस्ट करेंगे तुम्हारी पक्का जहां तक है, क्योंकि मशीन लर्निंग में काम किया तो मैथ भी पूछेंगे कुछ ना कुछ, तो यस सर, ये प्रोबेबिलिटी तो एटलीस्ट पूछ ही सकते हैं। और जो वो सिग्मोइड फंक्शन का ग्राफ है उसको पढ़ लेना कैसे बनाते हैं, सिग्मोइड फंक्शन सर, कौन सा सिग्मोइड फंक्शन यूज फंक्शन, करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। ओके सर। हाँ, रिग्रेशन मैंने अभी पढ़ा नहीं है सर, तो हाँ अभी तो मैं पढ़ फिर लूंगा, अभी बिल्कुल मेरे पास टाइम है थोड़ा। ठीक है, जितना कर सकते हो उनसे रिलेटेड चीजें कर लो आराम से, टेंशन फ्री होके जाओ, मैं कॉन्फिडेंट होके, बस सब्जेक्ट चार ही बताना तीन चार जो बढ़िया वाले हैं। चलो ओके, ऑल द बेस्ट। और थैंक थोड़ा यू सा ना सर, डीआरडीओ के उसकी वेबसाइट पे जाके उनके प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का आइडिया भी ले लेना, किस फील्ड में काम कर रहा है डीआरडीओ, भी लेटेस्ट क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं थोड़ा उसके बारे में पूछ सकते हैं कुछ। ओके सर, एक बार वेबसाइट विजिट जरूर कर लेना उनकी, उनके प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेना, वहां पे मिल जाएगा। ओके सर, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।